और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज मैं कंटपुरा हाट में हूँ, ये हाजीपुर नगर परिषद वार्ड संख्या 44 का एरिया पड़ता है और ये मवेशी का हाट आप देख लीजिए, एक एकड़ में ये फैला हुआ है मवेशी का हाट। और यहाँ पे आज जो है रावण वध का आयोजन किया गया है, जिसमें इसका संचालन अरविंद राय कर रहे हैं, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय के भतीजा हुए, उनके द्वारा यह आयोजन हो रहा है। वो चूंकि अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ कमेटी के कनपुरा दुर्गा पूजा कमेटी के सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, केवल अध्यक्ष नहीं है। तो हम उनसे बात करके अवगत कराएंगे कि ये कार्यक्रम चूंकि पहला बार यहाँ हो रहा है, इसके अलावा अलग जगह होता था लेकिन इस कनपुरा में खास करके आज पहला बार हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम पूछना चाहेंगे लोगों से कि क्या कैसा अनुभव कर रहे हैं और ये जो रावण वध है वो किस लिए किया जाता है, सारी बातों से अवगत कराएंगे। आप बने रहे पब्लिक लाइव के साथ। आप अपना नाम बताए सर। सही बताइए कि ये पहला बार आपके एरिया में आयोजन हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि ये मैंने दुर्गा पूजा के दशमी के दिन ये आयोजन होता है, वजह क्या है? वजह है कि जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ है सुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, धरे ही दयानिधि सज्जन की पीरा। जब रावण महाबली लंकापति रावण जब अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था, हमारे पुरुषोत्तम राम भगवान जन्म लिए और जन्म लेकर के उस दुष्ट को आज के दिन में जो है उसको बंद करेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि असत्य को सत्य की विजय है, तो दुर्गा माँ का जो आज मान लीजिए दशमी है, तो दशमी के दिन ही इसका हो रहा है, इसका वजह क्या है? इसलिए होता है कि जो भी यहाँ पर अत्याचार होता है सब देवताओं मिल करके और दुष्टों को जो है दमन करते हैं। दुर्गा माँ भी की और श्री रामचंद्र भगवान भी किए, सभी राज हनुमान भी किए, अरे जितने जामवंत भी किए, अरे सभी मिल करके दुष्ट को जो है दमन। अभी जिनसे बात हो रही थी हमारे सनातन धर्म के बहुत अच्छे सेवक हैं, इनका नाम संत बाबू है, ये सतनाम कहे जाते हैं, ये दरिया राशि के उपासक। अभी हमारे बीच हमारे चूंकि इस गांव के मुखिया के नाम से प्रसिद्ध हैं चंद्रकेत चौधरी, उनसे मैं बात करूंगा, अवगत कराऊंगा कि ये आयोजन का जो रखा गया है उसका वजह क्या है? क्या वजह है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे चंद्रकेत बाबू थे जिन्होंने राम से और रावण बीच का जो युद्ध का कड़ी था उसको अवगत कराया है। हमारे बीच विनोद भैया हैं, ये भी कमेटी के सचिव बने सदस्य हैं, इनसे मैं बात करूंगा कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये पहली बार हो रहा है आपके गांव में, तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, ये हमारे रावण धर्म का रीति रिवाज होते आ रहा है और मैं उसी के नाइट गाइडलाइन पर मैं चलना चाहता हूँ और ये इस साल ऐसा निकला है, लो जाने अगला साल कैसा रूप रहेगा, कि साल रूप साल मेला और इसका आयोजन हम समाज मिल के कंपा समाज मिल के सभी मिलजुल कर भारी विचार के साथ हम इससे भी भारी विचार के साथ हम अगला इसका। धन्यवाद पब्लिक लाइफ से बात करने के लिए। ये आयोजन जो किया जा रहा है उसमें आप देख पा रहे हैं रावण का जो भव्य मूर्ति जो बना है, इसमें बहुत सारा पटाखा वगैरह सब है, लेकिन ये 30 फीट इसकी ऊंचाई 30 फीट है, 35 फीट। तो हमारे बीच हमारे एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। धन्यवाद पब्लिक लाइफ से बात करने के लिए। ये आयोजन जो किया जा रहा है उसमें आप देख पा रहे हैं रावण का जो भव्य मूर्ति जो बना है, इसमें बहुत सारा पटाखा वगैरह सब है, लेकिन ये 30 फीट इसकी ऊंचाई 30 फीट है, 35 फीट। तो हमारे बीच हमारे एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं अजय जी, उनसे मैं बात करूंगा कि चूंकि आप तो इस लाइन के बहुत अनुभवी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा आपका नाम है, तो आप बताएं कि जो ये रावण वध हो रहा है।
है, वजह क्या है? लेकिन ये जो रावण वध का कार्यक्रम हम लोग करते हैं, इसके पीछे क्या अगर जानकारी दिया जाए तो कहा जाता है कि श्री राम ने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए युद्ध किया। पता चला कि पत्नी का अपहरण एक दुराचारी अहंकारी रावण ने कर दिया। दूसरे उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में रावण मारा जाता है, अपनी पत्नी को प्राप्त कर दिया। लेकिन इसके सार में अगर जाया जाए तो पता चलता है कि राम ने रावण रूपी अधर्मी का नहीं, रावण रूपी अत्याचारी जो अहंकार में डूबा हुआ था, उसको सत्य से प्रकाष्ठा से ऊपर जा चुका था, उसका ज्ञान जो था सत्य से ऊपर जा चुका था, उसका नाश उन्होंने किया था भगवान विष्णु के अवतार से श्री राम। और कहा जाता है कि श्री राम ने 9 दिन माँ शक्ति की पूजा की और माता शक्ति ने तब 9वें दिन का आशीर्वाद दिया सिद्धि के रूप में, और तब 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध किया। इसीलिए विजयादशमी के रूप में यह 10वां दिन नवरात्रि के 10वें दिन के रूप में यह मनाया जाता है। मतलब दुर्गा पूजा जो है श्री राम से जुड़े हुए जी। ये बताइए कि आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है तो कितना संख्या में लोगों आने की उम्मीद है? हमारा उम्मीद है कि यहाँ पे हजारों लोग आएंगे। इससे पहले हमारे बगल के ग्राम नवादा खुद भी यह कार्यक्रम होता है, लेकिन हम ये जो व्यवस्था अपनी कमेटी की तरफ से दुर्गा पूजा समिति कॉन्ट्रैक्ट तरफ से जो कर रहे हैं, हम कोशिश है कि हमारे आसपास के जितने 5-7 गांव हैं वो सभी गांव के लोग आकर के हमारे आयोजन को देखें, इस रावण दहन के कार्यक्रम को देखें, आनंद हो। और हमारी ये कोशिश होगी कि हम अगले वर्ष जब इस कार्यक्रम करेंगे तो और भव्यता से करेंगे ताकि लोगों को अच्छा से अच्छा आनंद मिले। अजय जी, आपको पब्लिक लाइफ के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे चूँकि सीनियर भी हैं, हमारे भाई तुल हैं, गार्जियन तुल हैं, ये सुबोध भैया हैं हमारे बीच, ये कहेंगे कि आखिर जो ये आयोजन हो रहा है इसमें आप किस नज़र से देखते हैं? अपने देश में अपना अलग सभ्यता है, हर पर्व हम लोग बहुत ही